खमा गणिसा, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, फिट होंगे। तो आज आ गए हम खाना के एनुअल फंक्शन में। तो एनुअल फंक्शन था बिटा ऑडिटोरियम में। पहले हम उसमें से पहले हमने पी एक चा कॉफ़ी और हम पहुंच गए थे बिटा ऑडिटोरियम। पेरेंट्स की लगी हुई थी बहुत ही लंबी लाइन, तो हमने सोचा हमें बहुत वेट करना पड़ेगा, बट ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा। जल्दी ही हमारी एंट्री हो गई थी। देखो, आप देख सकते हो बहुत ही लंबी लाइन है पेरेंट्स की, पर एंट्री जल्दी हो गई थी। सब इन्विटेशन कार्ड दिखा के अंदर आ रहे। ये हो गई हमारी एंट्री। ये बच्चे हैं बड़ी क्लास के। वेलकम किया। क्या हुआ दीदी? उस असल ने मुझे विवाह का प्रस्ताव भेजा है। दीदी, मेरी साधना का समय हो गया है, मुझे जाना होगा। एक अर्धांगिनी की समस्या को हल करना क्या एक पति का कर्तव्य नहीं होता? स्त्री को जब भी सहायता की आवश्यकता होती है, वो दौड़ी दौड़ी पुरुष के पास क्यों चली आती है? अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं क्यों नहीं करती? नारी शक्ति अतुल्य है देवी, वो हर समस्या के समाधान के लिए सक्षम है। यदि नारी शंका त्याग दे तो वो स्वयं शंकर बन जाती है देवी, शंकर बन जाती है देवी। स्नान करने जा रही हूँ, जब तक मैं आज्ञा ना दूं तब तक किसी को भीतर मत आने देना। जो आज्ञा माते, जय हो महादेव। रास्ते से हटो नंदी। क्षमा करें प्रभु, माता पार्वती का आदेश है कि किसी को भी भीतर न आने दे। अरे मूर्ख, ये आदेश तो औरों के लिए है, मैं तो उनका पति परमेश्वर हूँ। रास्ते से परे हट, मुझे मेरे ही घर जाने से रोक रहा है। प्रिय स्वामी, आप भीतर कैसे आए? नंदी ने आपको रोका नहीं? नंदी? नंदी की क्या हिम्मत, वो मेरा दास है देवी। परंतु मैंने उसे आदेश दिया था
उसे इस प्रकार मेरी आज्ञा का अपमान नहीं करना चाहिए था। वो थोड़ा कम बुद्धि का है, उसे क्षमा कर दो देवी। ये नंदी ने सही नहीं किया, परंतु वो करता भी क्या, स्वामी भक्त है, स्वामी को रोकने की हिम्मत नहीं हुई होगी। मुझे एक ऐसा मन चाहिए जो बुद्धिमान हो, साहसी हो और जो मेरी आज्ञा का पालन करे। मैं खुद ऐसा मन बनाऊंगी। और जब तक मैं आज्ञा ना दूं, किसी को भी भीतर मत आने देना। जो आज्ञा माते मैं किसी को भी अंदर नहीं आने दूंगा। कहीं खेलने खेलने में भूल तो नहीं जाओगे? आप निश्चिंत रहिए माते। के साथ गणेश को जीवनदान प्रदान करें।